और आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भोपाल में गैंगरेप का जो सनसनीखेज मामला सामने आया था, इस मामले में पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ जानकारी दे रही है। जीआरपी के इंस्पेक्टर्स, भोपाल पुलिस के अधिकारी, उसको वह साथी में महिला थाना प्रभारी व महिला उपनिरीक्षक को रखा गया है, जो सतत विवेचना कर जल्दी से जल्दी इसमें विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। इस टीम की मदद के लिए एफएसएल की टीमें व अभियोजन अधिकारी भी उपलब्ध रहेंगे, ताकि भविष्य में इस पूरे प्रकरण में ट्रायल के बाद ज्यादा से ज्यादा सजा हो सके। इतने गंभीर अपराध में नहीं लगता आपको आईजी डीआईजी को भी घटनास्थल पर जाना चाहिए था, हमको देखना चाहिए था? देखिए, इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वयं गए हैं और निश्चित ही अपराध अत्यंत गंभीर है, और इसमें जितने भी उपलब्ध वरिष्ठ अधिकारी वहां पर थाने के उपलब्ध वरिष्ठ अधिकारी थे, वे स्पेशली हबीबगंज थाना क्षेत्र के, वे वहां पर मौके पर गए हैं। एसपी एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी वहां पर मौके पर गए हैं। दरअसल इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में रही। लड़की ने यह आरोप लगाया कि जब वो थाने में गई तो एक थाने से दूसरे थाने तक उसे चक्कर लगाने पड़े शिकायत दर्ज करवाने के लिए। तो 6 पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जिनमें 3 तो थानेदार हैं अलग अलग थानों के। तो बहुत ही सनसनीखेज ये पूरा मामला। जब कोचिंग से लौट रही थी छात्रा, उसके साथ ये गैंगरेप की घटना सामने आई थी, और जब पीड़िता शिकायत करने थाने पहुंची थी तो उसे अलग अलग थानों के चक्कर लगाने पड़े थे, और ऐसे में पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। 6 पुलिसकर्मियों को अब सस्पेंड किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल गैंगरेप केस में 6 पुलिसकर्मी नप चुके हैं, इनमें 3 थानेदार बताए जाते हैं, 2 सब इंस्पेक्टर भी हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है, और 24 घंटे तक गैंगरेप की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसे लेकर सवाल खड़े हुए, और सवाल यह भी कि आखिर अलग अलग थानों में क्यों जाना पड़ा इस पीड़िता को। 6 पुलिस वालों को अब जाकर सस्पेंड किया गया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।